कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर को कैसे चलाएं, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इनके लीवर के बारे में एक बार पहले वीडियो में बता चुका। आज इनको हम प्रैक्टिकल लेकर के दिखाएंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर को कौन से लीवर से कैसे क्या करते हैं। अगर आपको कंबाइन हार्वेस्टर चलानी आती है तो आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है आप काफ़ी अच्छे कंबाइन चलाते हो, काफ़ी साल पुराने ऑपरेटर हो और फोरमैन भी हो, तो आपके लिए वीडियो नहीं होगी। जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले इन मेन लीवर के ऊपर पहले बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली दिखाएंगे मशीन को स्टार्ट करके। ये एसिलेटर वगैरह रेस बोलते हैं, ये रील को ऊपर नीचे करने के लिए, ये कटर को ऊपर नीचे करने के लिए, ये मशीन को आइलो करने के लिए, ये चार लीवर हो गए और ये गियर हो गए मशीन को आगे पीछे चलाने के लिए। जैसे ट्रैक्टर के होते हैं, काफ़ी मशीनों में सिंगल लीवर होता है, काफ़ी में डबल और ट्रिपल है। जो पांच गियर में आती हैं उनमें यहाँ पर तीन लीवर होते हैं, और जो चार गियर में आती हैं, तीन फॉरवर्ड और एक रिवर्स में, उसमें डबल लीवर होते हैं। काफ़ी में केवल सिंगल लीवर होता है, जैसे ट्रैक्टर या अपनी गाड़ी में होता है। ये जैसे ये आगे की तरफ बैक हो गया, यहाँ पर दिखा भी रखा है, जैसे ये बैक फर्स्ट है, ये बैक फर्स्ट है, और ये सेकंड और थर्ड है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर हो गए। और ये कुछ स्विच है, ये तो नॉर्मली आपको पता ही होगा। और ये मशीन को बंद करने के लिए ये चाबी से नहीं होगी, ये यहाँ से बंद होगी। काफ़ी में यहाँ पर अलग से स्विच भी आता है बंद करने के लिए। और ये बास्केट के लिए हो गया, और इधर वाले फ्लैट के लिए जो मशीन को पूरी को चलाने के लिए होता है, फिर ये कटर को चलाने के लिए, और यहाँ से ग्रेन टैंक को खाली करने के लिए ओगर का, जिससे टैंक से दाने बाहर निकलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब कंबाइन को कैसे चलाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी ध्यानपूर्वक इसी वीडियो को देख लेंगे तो आप रोड पर भी आसानी से चला सकते हैं, खेत में भी चला सकते हैं, और वैसे भी आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो इन लीवरों को आपका पता चल गया, आप जब भी हार्वेस्टर चलानी होगी तो आप इनको पता करके चला सकते हैं। सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर अर्थ लगा देते हैं, ये ख़राब हो गया था इसकी वजह से, यहाँ पर वैसे जुगाड़ कर रखा है, तो इसको यहाँ पर सीधा लगा देते हैं एक बार। जैसे कि अपनी मशीन का अर्थ लग चुका है यहाँ पर, अब इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे काफ़ी दिन हो गए इसको स्टार्ट किए, ऊपर से बारिश भी हो चुकी काफ़ी बार है, तो चलिए देखते हैं स्टार्ट हो जाती है या पंप मारने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने पूरी मशीन में चेक कर लिया कि कहीं कोई फैन बल्ट उतरा नहीं हो और अन्य कोई भी साइड में कुछ लगा हुआ नहीं हो, तो सभी चीज़ें देख ली। अब मशीन स्टार्ट करने के लिए तैयार है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अब स्टार्ट हो चुकी है, शायद आपको मशीन की आवाज़ में मेरी आवाज़ कम सुनाई दे, मशीन की आवाज़ को इग्नोर करना और अपनी वीडियो पर थोड़ा ध्यान देना। तो जैसे कि मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब एक बार तरीका देते हैं, जैसे कि रेस है, इसका काम देख लिया। और अब इन लीवरों का और बता देते हैं, जैसे कि रेल तो अभी लगी नहीं हुई है कटर में, अगर लगी होती तो दिखा देते हैं, अब कटर में ही जुड़ा हुआ। और अभी एक बार स्पीड अकेले को उठा कर दिखा देते हैं, इससे जैसे कि आप पीछे ही तरफ करेंगे तो फिटर उठेगा ऊपर। और आगे ही तरफ करेंगे, इसको आगे ही तरफ करेंगे तो ये फिटर नीचे तरफ जाएगा। और अब हमने ये पूरा उठा लिया, मैंने तो नीचे किसी चीज़ को टच हो सकता था। और अब ये आई लो मशीन हो जाएगी, हमें अभी चलाएंगे तब दिखाएंगे कैसे ये आई होगी और कैसे लो। तो एक बार उधर खाली जगह पर ले चलते हैं मशीन को। तो जैसे कि पहले की लो में बिल्कुल कम रेस में ये मशीन चल रही है, और इसको आगे ले करके हम पीछे लेंगे बाद में, और इसको खाली जगह पर लेकर चलेंगे। जैसे कि इस साइड अब हम मशीन को लेकर चलेंगे, तो हाई में कैसे चलती है मशीन देखिए एक बार, जैसे मैं इसको हाई करूँगा मशीन की स्पीड ऑटोमेटिक बच जाएगी। तो यहाँ से मशीन को हाई कर सकते हैं, और लो बिल्कुल लो हो गई अब, रेस को ज़्यादा करेंगे तेज चलेगी। इस प्रकार से हाई लो काम करता है इसका, ले लेते हैं मशीन को, बैक गियर डीएफ दिया जैसे। अब
मशीन की कटाई का खास ध्यान रखना होता है। वो कटाई कैसे करते हैं वो भी हम बता देते हैं एक बार। जैसे कि इसके बाहर से हम घुमाएंगे तो उसके बाहर से जब घूम के आएगी तो टायर के निशान देखना आप कहाँ से, जैसे मशीन को मोड़ना है हम जो गाड़ी या ट्रैक्टर होता है उसको केवल अगर स्पीड के बाहर से मोड़ना है। अगर गाड़ी या ट्रैक्टर होते हैं तो आगे का टायर बिल्कुल आगे से हम बाहर से लेकर चलते हैं तब पीछे वाला टायर बिल्कुल पास से आता है, परंतु कंबाइन हार्वेस्टर में हमें आगे वाला टायर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक से लेकर चलना पड़ेगा तब पीछे वाला टायर आगे से घूम कर आएगा। तो कैसे करना है अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल ये इस तरफ देखना आप है, इसको टायर को बिल्कुल इसके नज़दीक से लेकर चलेंगे और तब बाहर वाला पीछे वाला टायर कहाँ से आएगा ये चीज़ देखना। वो थोड़ी पार्ट चला लेते हैं, दूसरे गियर लगा देते हैं। काफ़ी दिन हो गया मशीन को खड़े हुए तब गियर भी थोड़े मुश्किल से लग रहे हैं। जैसे एक सेकंड गियर लगा दिया अब चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल मैंने ये आगे वाला टायर इसके नज़दीक से लिया है, देखते हैं अब कहाँ से ये घूम कराती है। देखिए उस साइड देखिए आप, अगर हम आगे वाला टायर पीछे वाले टायर की जगह से लेते हैं तो कहाँ से मशीन घूम के आती है। अभी वो पीछे वाला काफ़ी बाहर से आया है तो पूछ पीछे लगने का खतरा रहता है, इसलिए आगे वाले टायर को बिल्कुल पास लेकर चले। तो देखिए बिल्कुल आगे वाला टायर नज़दीक से आया उतना टायर बाहर से आएगा इसका, क्योंकि इसके टायर की कटाई है वो पीछे वाले टायर में होती है कटाई, इसके जैक राड़े तो ज़्यादा बाहर से घूम के आती है। इस बात का आप अगर नए ड्राइवर हैं तो ध्यान रखिए, और पुराने तो आपको पता होता है कि कहाँ से मशीन चल रही है कहाँ से आएगा, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो अभी एक बार लीवर और लगा के दिखा देते हैं, यहीं पर है मशीन को खड़ी खड़ी। तो ये फ्लैट वाला लगा देता हूँ सबसे पहले, मशीन साफ हो जाएगी, काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई है। धीरे धीरे लगाना पड़ेगा इसका लीवर। इन सभी में आप देखेंगे जंग आ चुका है बिल्कुल। इसका लीवर लगा दिया थोड़ी, इसके स्पेटर थोड़े बता देते हैं चक्री करके। अब पीछे का देखते हैं पीछे का क्या माहौल है, अब एक बार पीछे का माहौल देख लेते हैं। इसके अंदर अभी भी कचरा था आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कचरा था। एक बार सफाई हो जाती है मशीन की तब तक आपको यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं। ये देखो ये टायर है बिल्कुल नज़दीक से आया तब वो बाहर वाला देखो कितनी दूर से आया है। अगर हम आगे वाला टायर यहाँ से लेते तो पीछे वाला वो हाँ से घूम कर आता और यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह होता तो उससे पीछे के पूछे इसमें से टकरा जाते हैं। तो इन चीज़ों का कंबाइन हार्वेस्टर में आपको खास ध्यान रखना है। मशीन की सापट में बंग हो चुका है, मशीन में ज़्यादा मरोड़ लगने से इसमें बंग हो गया था, जिससे इसका ये थ्रेसर वाला पूरा देखेंगे यहाँ पे तो इसमें देखिए कितना बड़ चल रहा है कैसे चल रहा है ये। ये उसी की वजह से बिल्कुल आटा टेटा होकर चल रहा है। तो ये चीज़ आपको जैसे कि बता दी।